अध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिले सहित बिहार के समेकित बाल विकास परियोजना ICDF में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं। वैसे देखा जाए तो यह योजना बाल विकास के लिए कम और सरकारी राशि के लिए बंदरवाड हेतु ज्यादा जाना जाता है। इसके क्रियान्वयन में काफी विसंगतियां हैं जिसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार के लिए दिए जाने वाली राशि को कमीशनखोरी के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों का बुरा हाल है। जो पोषाहार बच्चों के बीच में वितरित किया जाता है वह निर्धारित मापदंड से कम होता है तथा गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है। इस लूट खसोट से CDPO पर्यवेक्षिका से लेकर आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन एवं नियंत्रण महिला पर्यवेक्षिका व बाल विकास परियोजना अधिकारी के जिम्मे होता है, परंतु इनकी मिलीभगत से केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी एवं कल्याणकारी योजना का 100% लाभ गरीब परिवार के बच्चों को नहीं मिलता है। अतः सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि समेकित बाल विकास परियोजना को पर्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए इसके निवारण हेतु कोई ठोस नीति बनाई जाए, जिससे कि नौनिहालों को बच्चे स्कूल में पूर्व शिक्षा दिए जाने के सरकार को उद्देश्यपूर्ण सफलता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कर आप सभी जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर तरीके से आप सभी के बीच में रखेंगे। हाल ही के अंदर आंगनबाड़ियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया सरकार के विरोध में अपनी मांगों को लेकर के। हालांकि प्रदर्शन के बाद एक काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक कदम देखने को मिला है। फिलहाल एक छोटी सी वीडियो के क्लिप के माध्यम से सारा बयान आपके सामने स्पष्ट करेंगे। आप सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम कृष्णा प्रजापति है, जिला अध्यक्ष महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ से। किन मांगों को लेकर आप आए? आज हमारे जो मेन मुद्दा है, एक तो सर्दियों की छुट्टियों का है, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र पर 0 से 6 साल तक के बच्चों का काम होता है, तो सर्दी के कारण बच्चे नहीं आ पाते, जबकि स्कूल वगैरह की सबकी छुट्टी के आदेश हो चुके और हमारे केंद्रों की छुट्टी का कोई भी आदेश नहीं हुआ है, तो हम यहाँ सर्दियों की छुट्टी के लिए आए हैं। दूसरे, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय हमें सम्मानजनक मानदेय देने का वादा किया था, जो कि हमें आज तक नहीं मिला, तो हम यहाँ अपनी मांग जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष आज रख रहे हैं ज्ञापन के द्वारा, कि वह हमारी शीघ्र से शीघ्र मानदेय वृद्धि करे और हमें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सम्मानजनक मानदेय दे। जी, आप पहले मिले इस बात को लेकर, पहले मिले मानदेय के लिए? 2010 से तो मैं संघर्ष कर रही हूँ और हमारा जो संगठन है वो समय समय पर धरने प्रदर्शन के माध्यम से संघर्ष करता रहता है, और 2019 में केंद्र सरकार ने केवल 1500 रुपये बढ़ाया था, उसके बाद आज तक केंद्र सरकार ने कोई पैसा नहीं बढ़ाया। अभी आप अधिकारी से मिली हैं, क्या आश्वासन? बस अभी हमने SDM महोदया को ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो शीघ्र ही हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं की जाती है, होती है तो अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे।